आज हम रिकर्जन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसकी वेरिएशंस काफी सारी हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि इस पे ही बेस्ड होते हैं। अगर हमें इसकी रिकर्सिव अप्रोच पता होगी तो हम इसमें डीपी यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम का लेवल 2 रखा है ताकि थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा मुश्किल आए, बट अप्रोच अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के। तो ठीक है, हमें दिया हुआ काउंट, हमें चाहिए काउंट ऑल पॉसिबल पाथ्स। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाथ्स। ओके, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू टॉप राइट ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें एम क्रॉस एन का। तो हमें टॉप लेफ्ट से जाके यहाँ पर जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुँचना है। तो हमें नंबर ऑफ पाथ्स बताने हैं कि हम कितने नंबर ऑफ पाथ्स में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे कि एक पाथ हो गया ये ऐसे जाके ऐसे पहुँच गया, दूसरा हो गया ऐसे जाके ये, तीसरा हो गया ऐसे जाके ये, चौथा हो गया ऐसे जाके ये। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स होंगे, तो उसे हमें सॉल्व करना है कि कैसे कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में। इसकी वेरिएशन और क्या हो सकती है, कुछ कुछ सेल्स को ना ब्लॉक कर देंगे कि इस पे नहीं जा सकते आप। तो एक वेरिएशन ये हो सकती है कि बीच में कोई कोई पाथ्स हमें ब्लॉक्ड है, यहाँ पर नहीं जा सकते। तो अब हमारा ये वाला तो पाथ था ये तो रुक गया, यहाँ से तो जा ही नहीं सकते, तो हमें सिर्फ ऐसे जाना पड़ेगा या ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसकी एक ये वेरिएशन है। एक दूसरी वेरिएशन इसकी क्या है, अगर हमें ऐसे ग्रिड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्टार्ट करने की जगह कोई दूसरा सेल दिया हुआ कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर पहुँचना है, ऐसे करके एक वेरिएशन इसकी ये हो गई। तो इसकी बहुत सारी मल्टीपल वेरिएशन है जो कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी रिकर्जन अप्रोच हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम रिकर्जन अब इसमें लगा रहे हैं, तो उसके बाद डीपी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ पाथ्स चाहिए। तो अभी हम इसे सिंपल क्वेश्चन को एकदम सिंपल रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और बॉटम राइट पे जाना है। तो अब हम देख लेते हैं हमें हमेशा रिकर्जन में क्या सोचना है, बेस केस और सेकंड क्या रिकर्सिव कॉल। बेस केस और रिकर्सिव कॉल, बेस केस क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि हम यहाँ पर पहुँच गए तो आंसर प्लस प्लस करना है हमें, आंसर प्लस वन कर देना है। अगर हम इस ग्रिड से हमें बाहर नहीं जाना, अगर समझ लो इधर से ऐसे जा रहे हो और ऐसे से बाहर निकल गए, तो अगर हम इससे बाहर जा रहे हैं तो हमें आंसर ज़ीरो मिल रहा है। अगर हम नीचे से ऐसे बाहर पहुँच रहे हैं तो भी आंसर ज़ीरो मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो प्लस वन मिल रहा है। तो ये तीन बेस केस हैं, असल में तो ये दो ही हैं। इन दो का मतलब है ग्रिड से बाहर नहीं निकलना। तो एक बेस केस हो गया ग्रिड से बाहर नहीं जाना, ग्रिड से बाहर गया तो आंसर मिलेगा प्लस ज़ीरो। और अगर हम इस सेल पे पहुंच जाएंगे, फाइनल सेल पे या फिर जिस पे पहुंचना था एंडिंग सेल पे, तो फिर उस पे हमें मिल जाएगा आंसर प्लस वन। तो ये दो बेस कंडीशन है। और रिकर्सिव कंडीशन क्या है, हमें यहाँ से यहाँ पे पहुँचना था, हमने मान लिया अब हम यहाँ पर पहुँच गए कि पीछे का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा ऐसे सोचना, पीछे का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे का रिकर्जन ला के देगा, बस इस सेल पे सोच लेना है अभी क्या होगा। तो इस सेल से आप यहाँ जा सकते हो या फिर इस सेल पे जा सकते हो। तो अगर इस सेल से यहाँ फाइनल जहाँ पे हमें पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचने के एक्स वेज हैं, और इस सेल से यहाँ पर पहुँचने के वाई वेज हैं, और यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के, यहाँ से वहाँ पे पहुँचने के, तो एक ही वे है। तो हम या फिर यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी यहाँ से यहाँ पे पहुँचने की। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ से रिकर्जन क्या लग रहा है इसमें, बस यहाँ इस सेल पे पहुँच गए तो नंबर ऑफ वेज क्या है इसमें, मतलब क्या क्या रास्ते हैं, या फिर राइट चलो या नीचे चलो। तो इस वाले केसेस में हमें क्या क्या देखना होगा, एक आई जी दिया होगा, एक जे दिया होगा, और एक फाइनल का आई दिया होगा, फाइनल का जे दिया होगा, जो मतलब अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो इसका। और आई जे क्या है, करंट रो, करंट इंडेक्स, जैसे इधर है तो हम 0 1 2 0 1 2, तो इसका हो जाएगा 2.2, इसका हो जाएगा, इसका आई जे क्या हो जाएगा 1.3। तो एक आई है, एक जे है, एक एफ आई है, एक एफ जे है, ये सारे पैरामीटर्स होंगे। अब इनकी हेल्प से आप सूडो कोड सोचोगे, सूडो कोड कैसे होगा कि सिंपली हमें एक ग्रिड दी हुई है, आपको बस आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, आपको यहाँ का आई और जे दिया हुआ है, और आपको जहाँ पे पहुँचना है उसका आई और जे दिया हुआ है। दो दो कंडीशन लगानी है, ग्रिड से बाहर ना निकले, और अगर इस जगह पे पहुंच गया है तो फिर प्लस वन कर दें आंसर। तो ये वाली दो केसेस सोच के आंसर लाओ इसका, कि आंसर सोचो कैसे होगा। ऑलराइट, ये रहा इसका कोड। अब थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे क्या आ रहा है इसमें। तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स है कि हमें दिया हुआ है,
हमने ना इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, हमें यहाँ से यहाँ पर पहुँचना था, हमने ऐसे कर दिया कि हमें यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है। बात वही है, जितने नंबर ऑफ वेज यहाँ से यहाँ पहुँचने हैं उतने नंबर ऑफ वेज यहाँ से यहाँ पर पहुँचने हैं। तो फिर हमने एन और एम पास करा दिया, एन इज नंबर ऑफ रो एंड एम इज नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे यहाँ पर फोर नंबर ऑफ कॉलम है और फोर ही नंबर ऑफ रोज है, तो इसमें हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं ली। इसलिए अगर हम 1,1 जैसे 1,1 लिया, पर अगर हम 1,1 पे पहुंच गए यानी हम फाइनल जहाँ पे हम पहुंचना चाहते थे वहाँ पे पहुंच गए, तो रिटर्न कर रहे हैं 1 कि हमें एक नंबर ऑफ वे मिल गया। इसका एक ये बेस कंडीशन हो गई, बेस कंडीशन 1 ये हो गई। बेस कंडीशन 2 क्या हो गई, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, हमने 1 बेस इंडेक्सिंग लिया इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 है, अदरवाइज लेस देन 0 ले लेते हैं। इसका मतलब है ग्रिड के इधर पीछे की तरफ चला गया या फिर ग्रिड से इससे ऊपर की ओर चला गया, तो हमें आंसर मिलेगा 0 कि भाई ये कोई वे नहीं है, यहाँ पे नहीं जा सकते हम, तो रिटर्न कर रहे हैं 0। तो ये बेस कंडीशन 2 हो गई। तो अगर हम पर्टिकुलर इस पे ये पहुँच गए हैं तो केस 1 क्या होगा हमारा, केस 1 क्या है, एन माइनस 1 रो माइनस 1 की हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया। रिकर्जन इसके अंदर इसका आंसर ला के दे रहा है, यहाँ से इस वाले सेल के लिए आंसर ला के दे रहा है, वो हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। और ऐसे ही केस 2 में क्या है, रिकर्जन हमें इसके लेफ्ट वाले का इस वाले सेल का आंसर ला के दे रहा है, वो हम वे 2 में स्टोर करा रहे हैं। हम इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा वे हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा कि हम यहाँ से यहाँ पर कितना पहुँचे। ऐसे ही हम रिटर्न कराते जाएंगे, तो रिकर्जन से हमें पता है यहाँ यहाँ से जो पहले वाली चीज़ थी इस वाले का आंसर रिकर्जन हमें ला के दे रहा है और इसके आगे का आंसर रिकर्जन हमें ला के देगा, तो हमें ये चीज़ें तो पता है। तो बस हमें ये कराना है रिकर्जन को कौन सा आंसर ला के देना है, तो हमने उसे बता दिया कौन सा आंसर ला के देना है। तो ये दो रिकर्जिव कॉल हो गई, एक ये लेफ्ट पे जा रहा है एक ये ऊपर पे जा रहा है। रिकर्जन इसका आंसर ला के दे रहा है, हमने वे 1 और वे 2 में स्टोर करा लिया और रिटर्न कर दिया इसका सम। और बेस कंडीशन भी ऐसे समझ आ गई, अगर हम इस वाले फाइनल जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए तो रिटर्न करा रहे 1, और ये 1 रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे पीछे जाके सम होता रहेगा। यहाँ पे हम प्लस करा रहे हैं ना, तो वे 1 के अंदर जो भी होगा ये दोनों सब ऐड होते जा रहे हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पे 1 रिटर्न करा रहे हैं। और अगर इससे बाहर निकल गए तो हम 0 रिटर्न करा देंगे, अगर ये जो ग्रीन एरिया इस वाले में पहुँच रहे हैं तो हम 0 रिटर्न करा देंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।